नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ 2 मिनट की बातचीत करेंगे। अगर किसी ने नहीं देखने तो वो स्किप कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आप कोई 25-30 हजार रुपये महीना की जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे बहुत ही कड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर जॉब 50 हजार की है तो क्वेश्चन और मुश्किल हो जाएंगे। आपकी बेसिक एजुकेशन के अलावा आपसे कोई विशेष एक्सपर्टाइज पे भी डिमांड की जाती है। आपको छुट्टी नहीं मिलती, अगर कोई गलती हो जाती है तो डांट पड़ती है। इतना कुछ आप 25-30 हजार रुपये की सैलरी के लिए करते हैं, महीने की जो मिलती है। 7-8 घंटे काम भी करते हैं डेली। स्टॉक मार्केट में आप लाखों कमाना चाहते हैं, लेकिन न तो आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं और न ही आप अपना समय लगाकर एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं। आपने अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस समय देना होगा। इनमें समय देना सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपको कोई अच्छा शेयर कहीं से पता भी चल जाए तो भी समय तो देना ही पड़ेगा आपको। रिलायंस ITC जैसे शेयर 5 वर्षों से भी ज्यादा समय तक स्टैंड स्टिल रहे, उन्होंने कुछ गेन नहीं दिया, लगभग वहीं घूमते रहे, तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। समय के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप कमा ही नहीं सकते पैसा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, आखिर समय के अनुसार ही थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी तो समय के साथ ही जाएगी। आज हम जो शेयर आपके लिए लेकर आए हैं वह शराब बनाने वाली कंपनी का है, जो पहले भी हमने 2-3 बार बताया है, लेकिन ये शेयर हमारी टीम को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये डेट फ्री हो गया, Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे दिए हैं और इसका ब्रांड भी अच्छा खासा पहले नंबर पे चल रहा है। वैल्यूएशन भी बहुत सस्ती है इसकी, कंपैरेटिवली सेक्टर वैल्यूएशन, और 2 साल में दुगना होने की पूरी संभावना है इसकी। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं। आज हम शेयर बनाने वाली कंपनी के शेयर पर बातचीत करेंगे। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से भारत में निर्मित विदेशी शराब IMFL के, इंडिया मेड फॉरन लिक्वर के निर्माण और बिक्री में शामिल है। कंपनी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांडी मेंशन हाउस ब्रांडी की निर्माता है। कंपनी ब्रांडी, विस्की, जिन, रम और वोदका के 15 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड बेचती है। ब्रांड मेंशन हाउस चैम्बर ब्रांडी, ब्लू लेगून, जिन, मदरा, रम आदि हैं। बाजार की हिस्सेदारी अगर देखें तो ब्रांडी सेगमेंट के तहत कंपनी की भारत में 22% हिस्सेदारी है। राजस्व ब्रांडी से 93% आता है, रम से 5% और विस्की से 1%, वोदका से भी 1% आता है। भौगोलिक डिवीजन की बात करें तो रेवेन्यू की 92% घरेलू और 8% निर्यात से आता है। विनिर्माण सुविधाएं हैं कंपनी के पास, विनिर्माण संचालन के 19 इकाइयां कंपनी के पास हैं, जिसमें से 4 इनके अपने स्वामित्व वाली हैं, 15 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। मार्केट कैप 6,605 करोड़ की है, 6,505 करोड़ की। बुक वैल्यू 38 रुपये प्रति शेयर है, यानी कि कंपनी के पास असेट्स
ठीक है। डिविडेंड 0.21% है, ठीक, डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.10% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.80%। यानी कि कैपिटल पर जो रिटर्न है वो 22.10% है, जो काफ़ी अच्छी है, और इक्विटी पर रिटर्न 24.80% है, जो सीधा ही लाभ होता है इक्विटी पे रिटर्न, तो वो भी बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 23.40% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो अच्छी है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न है जो ट्रैक रिकॉर्ड, वो बहुत अच्छा है, 3 साल का 27.10% है, जिसे काफी अच्छा कहा जाएगा। यूनाइटेड स्प्रिट्स, रेडिको खेतान इसकी पियर्स कंपनीज हैं। यूनाइटेड स्प्रिट्स 73 की पी पर और रेडिको खेतान 108 की पी पर मिल रहे हैं, यानी के काफी महंगी वैल्यूएशन है उनके। कंपनी ने Q2 FY25 के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं, रिजल्ट शानदार है। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 24 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर है जो सितंबर 23 है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। सेल है जो 354 करोड़ से 375 करोड़ हो गई। OPM 13% से 18% हो गया। मार्जिन का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से 58 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, अगर आप सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों की बात करें तो तीनों में ही अच्छी खासी इंक्रीज है। हम FY23, FY24, TTM 30/24 तक के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं, इससे कंपनी के बारे में पता चलेगा। सेल है जो FY23 में 1164 करोड़ थी, FY24 में 1394 करोड़ है, TTM 30/24 को 1423 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 150 करोड़ था FY23 में, FY24 में 138 करोड़ था, और 30/24 तक 174 करोड़ है। रिजल्ट्स अच्छे हैं, काफी ठीक कहे जाएंगे। एक बार पीछे इसको झटका लग गया था जब इसके ऊपर रेड हो गई थी टैक्सेशन की, अब वो मैटर क्लियर हो गया। इसके पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 36% है, काफी अच्छी कही जाएगी। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 78% है, ये तो बहुत ही शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। 3 साल की एवरेज काफ़ी अच्छी है, 27%। 3 वर्ष की प्राइस ग्रोथ है जो CAGR वो 52% है, जिसे बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। हम तो 6-7%, 8%, 10% म्यूचुअल फंड के ऊपर ही विश्वास कर लेते हैं, तो ये तो 52% तो बहुत अच्छी है रिटर्न। रिजर्व्स हैं 552 करोड़ के हैं कंपनी के, बोरिंग 94 करोड़ की है जो इसके पास कैश है। अब इन्वेस्टमेंट 64 करोड़ की है, और अभी इसके पास कैश की वजह से ये है डेट फ्री हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो प्रमोटर्स के पास 40.14% की इक्विटी है। इसकी इक्विटी 40.14% किसी क्वार्टर से आवाज आ सकती है कि यह कम है। इसकी कम इसलिए हुई है क्योंकि इसके कुछ शेयर गिरवी थे प्रमोटर्स के, उनको रिलीज कराने से, अनप्लेज्ड कराने के कारण इनको सेल करनी पड़ी। कुछ इलविल नहीं है कंपनी के प्रमोटर्स की, इसलिए कम हो गई है। FII 12.40% है, बहुत अच्छी इक्विटी है उनकी। DII की भी 1.19% है, ये एक प्लस पॉइंट है। पब्लिक के पास 46.28% है। तो दोस्तों, अब हम तिलक नगर इंडस्ट्री के शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या यह शेयर उचित दाम पर मिल रहा है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना जायज है इस समय,
तो हम देखते हैं दाम है जो आज के 337 रुपये है LTP लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। 52 वीक हाई एंड लो 364 रुपये और 182 रुपये है। EPS 9 रुपये है। PE 38 है और सेक्टर PE है जो वो 80 है, यानी के लगभग आधे दाम पर मिल रहे हैं। चीप वैल्यूएशन है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना की जा सकती है। अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके और स्वयं से जांच करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी ने Q2 FY25 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। 57% की इंक्रीज है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज के शेयरों में निवेशकों का उत्साह नजर आ रहा है। कंपनी कर्जा मुक्त हो गई है। कंपनी ने बेहतरीन नतीजे दिए हैं। पौंडीचेरी में सबसे बड़ी IMFL खिलाड़ी के रूप में पोजीशन है पौंडीचेरी में। कर्नाटक और तेलंगाना में तीसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। 1 महीने में 9%, 3 महीने में 44%, 1 साल में 22%, 3 साल में 332% और 5 साल में 2485% का रिटर्न दिया है। प्राइस हिस्ट्री देखें तो इसने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। एक एनालिस्ट इसको कवर कर रहा है, वही स्ट्रॉन्ग बाई की बात कर रहा है। शेयर चीप वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 2 वर्ष में यहां से 2 गुना हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।